Hello students, it's our worksheet number 32 for classes 6 to 8, scheduled to be done on 11th August 2020. Beta, aaj hai hamari ye worksheet number 32, jo happiness curriculum se sambandhit hai. Aaj hum happiness curriculum ki ek activity karenge, jo is saptah mein aapko puri karni hai. तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है. जैसा कि आप जानते हैं कि हम हैप्पीनेस की क्लास या हैप्पीनेस करिकुलम का जो भी आपका पीरियड होता है उसको स्टार्ट या एंड माइंडफुलनेस से करते हैं. और आपने लास्ट अपने वर्कशीट में भी माइंडफुलनेस किया था, माइंडफुलनेस ऑफ लुकिंग अराउंड, आपने चीज़ों को देखा था ध्यान से. तो अब देखिए आपने यहाँ पर सबसे पहले 2 मिनट के लिए माइंडफुलनेस करनी है, यानी कि शांत आरामदायक स्थिति में बैठकर आप अपनी आंखें बंद करेंगे. यदि आपसे आंखें बंद ना की जाएं तो आप अपने पैरों को देखेंगे, और शांत जब आप बैठेंगे तो आप अपने ध्यान को एकत्रित करने की कोशिश करेंगे. इससे आपका फोकस बढ़ता है, आपकी अटेंशन बढ़ती है, आप अधिक से अधिक अपने ध्यान को एक ही स्थान पर लगा सकते हैं. और इसी समय आप अगर हम ध्यान से सुने तो आसपास की वो छोटी छोटी आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़, पंखे के चलने की आवाज़, किसी के आने की आवाज़, वो सब छोटी छोटी आवाज़ वो सब आप पहचान पाते हैं. आप अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं, सांसों का अंदर जाना और किस तरह से बाहर आप ब्रीदिंग, यू आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, किस तरह से आप सांस ले रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे फिर उसे छोड़ रहे हैं. आप उसका अनुभव कर पाएंगे कि हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जिस पर जो बिना हमारे ध्यान दिए वॉलेंट्री कुछ भी नहीं है बेटा, हमारे कोई भी उस पर कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है. और हमारा हार्ट, हमारे लंग्स रेगुलर 24/7 काम कर रहे हैं, जो हमें उस ध्यान की स्थिति में, माइंडफुलनेस की स्थिति में पता चलता है. तो क्या होता है, हम वो छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना सीख जाते हैं. अब देखिए इस सप्ताह की गतिविधि यानी कि एक्टिविटी क्या है. जी, इस सप्ताह की एक्टिविटी है एक दूजे को जाने. तो आप देखिए एक दूजे को जाने जो हमारी ये एक्टिविटी है, इसमें करना क्या है, इसमें हमें अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं कागज़ पर, और उसके बाद उन्हीं के बारे में कुछ जानकारियाँ. आप और भी प्रश्न इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, आप ये प्रश्न लिखेंगे और उनके उत्तर उनसे पूछेंगे. और किसने क्या कहा, आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो प्रभावित, आप जिससे प्रभावित हुए कि ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, मैंने तो सोचा ही नहीं था. और साथ ही साथ आप उनसे पूछेंगे कि आप में कौन सी ऐसी खूबी है जिसे आप, आपको और आगे और अच्छे से बेहतर रूप में आगे बढ़ाना है, और ऐसी कौन सी बात है जो आपकी कमज़ोरी है या कोई कमी है जो आपको सुधार लेनी चाहिए. तो देखिए वो प्रश्न आपको जो सजेस्ट किए गए हैं, जो सुझाव दिया गया आपको प्रश्नों का, इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी आप अपने प्रश्न भी जोड़ सकते हैं. अपने परिवार से बात करते हुए, अपने परिवार के सदस्यों से जब आप बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके मन की जो स्थिति है उससे अवगत होंगे, अच्छा बुरा, और आपके जो संबंध है वो और भी घनिष्ठ और भी अच्छे हो जाएंगे बेटा. इससे हम और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, और हम दूसरों की केयर और भी अच्छे से कर पाते हैं जब ये जानते हैं कि उनकी लाइक, उनकी पसंद या डिसलाइक, नापस वो किस चीज़ को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं. तो देखिए पहला प्रश्न जो हमें कहा गया वो है आपके शौक क्या क्या हैं. उसके बाद है दूसरा प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, या आपसे बड़े लोग हैं, छोटे भाई बहन हैं या बड़े भैया दीदी हैं तो वो अभी बनेंगे बड़े होके, तो आप उनसे पूछ सकते हैं आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं. अब आप पूछेंगे क्या बनना चाहते हैं तो ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों. अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, टीचर बनना चाहते हैं तो वो क्या कारण है आप टीचर बनना चाहते हैं, और मम्मी पापा से पूछ रहे हैं तो क्या बनना चाहते थे, क्यों नहीं बन पाए, आप क्यों वो बनना चाहते थे, ये चीज़ आपके जीवन में क्या महत्व रखती है. तो तीसरा प्रश्न है आप
किस व्यक्ति को सर्व आप किस व्यक्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुए, प्रभावित इन्फ्लुएंस हुए बेटा, आप जिससे आपको जिसकी बहुत अच्छी लगी कोई बात कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, मुझे भी ऐसा करना है या मुझे भी ऐसा बनना है, ये तो बहुत अच्छा है, तो वो आप यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे। और कौन सी बात थी जिसने आपको प्रभावित किया, तो यहाँ क्यों में उसका उत्तर आएगा, कारण आएगा, क्यों हमेशा कारण के लिए होता है। उसके बाद देखिए, आप अपने परिजनों से अपनी एक अच्छी बात जाने, तो बेटा अभी हमने लास्ट और भी जो सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस करी हैं तो उसमें ये था ना, हमें एक बच्चे ने बताया, आपसे शेयर किया कि हम रोज़ रात का भोजन एक साथ पूरा परिवार बैठकर खाते हैं और पूरे अपने दिन के दिनचर्या आपस में डिस्कस करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, हम अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अब वही आपके परिजनों को बहुत सी ऐसी बातें जो आपके मम्मी पापाओं को आपकी बहुत अच्छी लगती होगी, या आपके ब्रदर सिस्टरों की, कि आप बहुत हेल्पफुल हो, आप एकदम से काम करते हो, फटाफट सारे काम करते हो, आप चीज़ें मैनेज करके रखते हो, तो वो जो आपकी वो जिस अच्छी बात है जब वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो उससे एक चीज़ ये होती है बेटा कि आप लोग उसको और भी अच्छे से करने की कोशिश करेंगे और उसे मेंटेन करेंगे। क्या होता है कि हम जब मोटिवेट होते हैं, जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट मिलते हैं, यानी कि अगर आपने सही काम किया तो शाबाशी देते हैं बड़े आपको, और अगर आपने गलत काम किया तो आपको समझाया जाता है कि नहीं ये बात सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो अच्छी बातें जब आपको बताई जाती हैं तो आपको खुशी होती है, और आपके गुणों से जब वो प्रभावित होता है कोई, तो आपको जो रिकॉग्निशन मिलता है आपको वो और भी ज़्यादा प्रमोट करता है उस व्यवहार को आगे बनाए रखने में। तो अच्छी बातों को बनाए रखिए अपने जीवन में, अपने व्यवहार में डालिए, अपने अनुभवों को व्यवहार में डालिए, जो आप बात करेंगे उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसे अपने व्यवहार में अच्छी चीज़ों को डालिए। और हो सकता है कि देखो मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे सुधारनी चाहिए, तो एक ऐसी बात आप अपने परिजनों से भी पूछिए कि जहाँ आपको सुधार करना चाहिए, तो हो सकता है वो कहें कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, आपको अपने काम समय पर करने चाहिए, अपनी चीज़ें सही जगह पर रखनी चाहिए, तो ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें आपको आपके पूरी लाइफ में, क्योंकि आपके व्यवहार में जब आ जाएंगी तो आप हमेशा ही सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके सुचारू रूप से रखेंगे, उसे सुचारू रूप से करेंगे और हमेशा सफलता प्राप्त करेंगे। और बेटा ये जो सफलता है ये आंशिक नहीं होगी, ये थोड़े समय के लिए नहीं है, ये जो आपकी हैप्पीनेस होगी, इससे जो खुशी मिलेगी वो आपको हमेशा आप खुश रह पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ आया और आप इस गतिविधि को अपने घर में बहुत अच्छे से करेंगे। हम जैसे क्लास में कराते हैं बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में ये सब बता पाते हैं। तो जिस नोटबुक में आप इसको नोट डाउन करेंगे, जैसे ही स्कूल खुलेगा, आप स्कूल आएंगे तो आपकी हैप्पीनेस की जो क्लास लेती हैं मैम, वो मैम ये सारी वर्कशीट्स आपसे डिस्कस करेंगी और आपकी फिर बेटा उसी के बेस पे आपका वहाँ पे एक्टिविटी के जो मार्क्स है वो भी ऐड होते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं ये आपको नोट डाउन करके इसका रिकॉर्ड अपने पास ज़रूर रखना है, जो कि आपको आगे हेल्पफुल, आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेगा। और इनके अनुभवों से जो व्यवहार आपका परिवर्तन होगा, वो व्यवहार में परिवर्तन ही आपकी सफलता का कारण बनेगा, आप हमेशा हर फील्ड में सफल होंगे। सो कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच, बाय।